हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम टीचर क्लास थर्ड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी ग्रामर पार्ट फाइव पार्ट फोर एक्सरसाइज। वैसे तो मैं चैप्टर रीड करा चुकी हूँ, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी मैं होमवर्क में दे चुकी हूँ, ऑलमोस्ट बच्चों ने कर ली है, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट करवा रही हूँ एक्सरसाइज को। निम्नलिखित में से पदार्थवाचक संज्ञा शब्द है। पदार्थवाचक जिससे हमें किसी पदार्थ का मैटर का पता चले, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सोना, सेना, बुराई में से कौन सा शब्द ऐसा है जो पदार्थवाचक है? तो पदार्थ मीन्स मैटर्स, जो धातु है, तो कौन सा है? सोना। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? समूहवाचक मीन्स जिससे अपन को एक ग्रुप का पता चलता है। तो बचपन, कक्षा, लड़की, संग कौन सा है ग्रुप में का पता चल रहा है? ग्रुप का पता चलता है हमको कक्षा से, तो आंसर इज कक्षा। नेक्स्ट, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक जिसमें जाति का पता चलता है, जाति का बोध होता है। गंगा, पक्षी, बचपन, जाति का बोध किसमें हो रहा है? पक्षी। ये पक्षी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी सब एक जाति के होते हैं, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर इज पक्षी। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा जिससे हमें भाव का पता चलता है, भाव का बोध होता है। मनुष्य, ताजमहल या सुंदरता? सुंदरता ये क्या है? भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर इज भाव, सुंदरता। नेक्स्ट, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। संज्ञा की परिभाषा लिखिए। संज्ञा की परिभाषा मैंने बताया था, किसी का भी नाम, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, दशा, अवस्था या भाव आदि के नाम को जो भी बताए, उस बताने वाले नाम को हम क्या कहते हैं? उस बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं या संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित लिखिए। जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण के साथ हम कैसे बताएंगे? जिन शब्दों से हमें किसी जाति अथवा समूह के नाम का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जाति का पता चलता है, अभी अभी बताया, जाति का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, पेड़, नदी, गाय आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक की बात करें तो जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अकबर, गंगा, मोहन या आदि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आप भाववाचक की बात करें तो जिन शब्दों से हमें किसी भाव या दशा, गुण अथवा दोष के नाम का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुख, दुख, मित्रता आदि। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब क्या करना है? संज्ञा छाप के इन वाक्यों में से संज्ञा छाटना है हमको। कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कौन मतलब क्या नहीं आएगा इसमें? कोई किसी का भी नाम कहाँ आ रहा है? स्कूल, ये जगह का नाम, तो ये क्या है? स्कूल क्या है? संज्ञा है। अध्यापिका पढ़ा रही है, कौन पढ़ा रही है? अध्यापिका। अध्यापिका किसका नाम है? टीचर का, तो ये क्या है? आपकी संज्ञा। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें दो संज्ञाएं हैं, दिल्ली और भारत, ये नाम है ना। ये दिल्ली किसका नाम है? शहर का। और भारत किसका नाम है? देश का। तो फिर ये दो आपकी क्या है? संज्ञाएं। कुमार बर्तन बना रहा है, तो कुमार किसका नाम है? आदमी की जाति का। और बर्तन किसका नाम है? बर्तन का, है ना, तो ये धातु का नाम है। तो कुमार और बर्तन, इसमें भी दो संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनानी है, ये क्या है? वर्ब दी हुई है, ये क्रिया दी हुई है, इससे आपको क्या बनाना है? संज्ञा बनाना है। तो लड़ना क्या हो जाएगा? लड़ाई। चोर, चोरी, चोरी लिख लेना इसको, चोरी, नोट्स में इसको चोरी कर लेना। सफ़ेद का सफ़ेदी, शिशु का शेषव, पराया का परायापन, मूर्ख का मूर्खता, माता का मातृत्व और बच्चा का बचपन। खालिस्तान की बात करें तो नदी, मतलब इसमें क्या करना है आपको? उचित संज्ञा देनी है। हाथी में नहा रहा है, कहाँ आएगा वो? नदी में, है ना। डैश एक पवित्र नदी है, कौन एक पवित्र नदी है? गंगा। ठीक है, नंबर तीन, तुम्हारे कार्यालय में पांच हैं, कौन है? कर्मचारी। कार्यालय में कौन काम करता है? कर्मचारी, तो कर्मचारी आंसर, है ना। ताजमहल में है, ताजमहल कहाँ में है? आगरा में। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज या होमवर्क है उसे कंप्लीट करो। आई थिंक आप सब कर लेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।